नमस्कार साथियों, पुनः आपके समक्ष अपने चैनल पर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। एक और राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार के बारे में, ये वेबिनार होने वाला है साहित्य, समाज और महामारी को लेकर, पैंडेमिक सोसाइटी एंड लिटरेचर को लेकर ये वेबिनार होने वाला है। एक दिवसीय वेबिनार है और 5 बेहतरीन वक्ताओं को सुनने का आपको मौका मिलेगा इस वेबिनार में। कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है और कैसे आप प्रतिभागी हो सकते हैं और क्या योग्यताएं चाहिए, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको आगे 2 से 4 घंटों में प्रदान की जाएगी। तो पुनः आप सभी का जय हिंद के साथ स्वागत करता हूं अपने चैनल और इस वीडियो में। एक दिवसीय वेबिनार होने वाला है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार में। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार में ये एक दिन का वेबिनार होने वाला है, जो कि 26 मई 2020 को प्रातः या कहें सुबह या कहें दोपहर से पूर्व 11 बजे से होने वाला है। और विषय आपको बता चुका हूँ, महामारी साहित्य और समाज। महामारी साहित्य और समाज इस विषय पर ये होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिए। वक्ताओं के नाम सुन लीजिए और परिचय से आप स्वयं परिचित हो जाएंगे। श्री जितेंद्र शर्मा प्रवासी साहित्यकार हैं, इंग्लैंड से संबंध रखते हैं, भारतीय मूल के हैं, पहले वक्ता हैं। दूसरे वक्ता हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वर्तमान विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर सुराज सिंह बीचैन। क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जो साहित्य के हैं, जो दलित साहित्य के हैं, जो स्त्रीवादी साहित्य के जानकार हैं, वह सभी उनको पढ़ते हैं और उनको सुनते भी हैं। दूसरे वक्ता हैं। तीसरे वक्ता हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निर्देशक प्रोफेसर नंद किशोर आर पांडे जी। 2 दिन पूर्व एक वेबिनार में मिजोरम में जो हो रहा था, अर्थात 22 मई को, उसके अंदर भी मेरे अलावा बहुत से सैकड़ों वक्ताओं ने उनको सुना और उनसे लाभान्वित हुए। दर्शन, शिक्षा और संस्कृति को उनके ज्ञान से परिचित होने का प्रथम दर्शन हम लोगों को, खासकर मुझे भी प्राप्त हुआ। तो ऐसे वक्ता इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको पुनः और दोबारा सुनने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है। तीसरे वक्ता हैं जहाँ मैं अभी अध्ययनरत हूँ, उसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, जो कि दर्शन, संस्कृति और सोशियोलॉजी के अच्छे और जानकार माने जाते हैं और स्वीकार भी किए जाते हैं। आपको उनको सुनने और समझने का मौका मिलेगा और आचार्य की शैली और भंगिमा से परिचित होने का भी मौका मिलेगा, और शब्दों के साथ साथ उसके अर्थ की क्या पकड़ होती है, इसका परिचय आपको हमारे विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की शैली और उनके शब्दों के संवादों में देखने का मौका आपको प्राप्त होगा। और इससे लाभ लीजिए सेमिनार में प्रतिभागी होने के साथ साथ। और इसके नॉट ऑफ द लिस्ट अंतिम वक्ता हैं 5वें, वह भी इसी विश्वविद्यालय अर्थात महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार के वर्तमान वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी हैं। हाय रजनीश कुमार शुक्ल जी हों और संजीव कुमार शर्मा जी के बारे में एक बात, दोनों ही संस्कृत के, दर्शन के और सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। दोनों की भाषा शैली में आपको 2 चीज़ें बहुत कॉमन सुनने और समझने का आपको मौका मिलेगा। दोनों ही भाषा की और शैली की मर्यादाओं को समझते हैं और जानते हैं कि जो व्यक्ति लैंग्वेज एंड उसके फ्लो को समझता है, वही व्यक्ति ऑडियंस को अट्रैक्टिव भी कर सकता है, ऑडियंस तक अपनी बात को पहुंचा भी सकता है। और जब तक वक्ता के शब्दों के अर्थ को जनता ना समझे, ना समझने का प्रयास करे, तो वक्ता की मेहनत खराब हो जाती है। लेकिन दोनों ही वाइस चांसलरों में ये क्षमताएँ हैं, ये ताकत है कि अपने शब्दों के अर्थ को जनता तक उस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि जनता उनसे बोर नहीं होती है, दूर नहीं भागती है और सुनने के लिए लालायित होती रहती है। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं किसी भी वक्ता की, कि जो वक्ता जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ हासिल किया हुआ होता है, जिस विषय में उसकी समझ होती है, उस विषय को अच्छे से प्रस्तुत करने की उसे कला भी आना चाहिए। और दोनों ही संस्थानों के वाइस चांसलर इस क्षेत्र में या कहें इस कला में निपुण हैं, पारंगत हैं। तो साहित्य, समाज और महामारी इस विषय पर होने वाले इन 5 वक्ताओं के वक्तव्य को सुनने का मौका आपको मिलेगा इस 26 मई को होने वाले वेबिनार में, जो कि सुबह 11 बजे से होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, कैसे अटेंड करना है, क्या ज़रूरी जानकारी है,
उसके बावजूद भी यदि कोई समस्या आती है, समस्या के समाधान के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही कमेंट बॉक्स का भी ऑप्शन होता है वीडियो के अंदर, वहाँ आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं, आपको कुछ ही मिनटों में उसका जवाब भी मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन जल्दी कीजिए, आज ही कर दीजिए, 26 मई का मतलब है 25 मई को रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, 26 आज ही कर दीजिए, आपका सीट फुल हो जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, मुझे भी सवाल जवाब करेंगे, संस्थान को भी करेंगे, तो कोई समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस एक दिवसीय सेमिनार में 5 वक्ताओं को सुनने का लाभ लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक अप करिए यदि बातें अच्छी लग रही हों और ये जानकारियाँ आगे ट्रांसफ़र हो, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक समय पर और सही सूचना के माध्यम प्राप्त होने पर ही आप ज्ञान का अर्जन कर पाएंगे और क्षेत्र में अपने ज्ञान को और बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।